हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर पैसा स्मार्ट चैनल और पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको क्योंकि हमारी जो पैसा मेकर सीरीज़ है वो काफ़ी सक्सेसफुल है आपके सपोर्ट के लिए और जिस हिसाब से उसका व्यवश्यप बढ़ रहा है वी आर एनक्रेज टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो आप उसको सुधार सकते हैं इट कैन बी अ गुड जर्नी फॉर यू और आप कुछ अपने हिसाब से अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं तो फ्रेंड्स जो पैसा मेकर सीरीज थी हमारी हम रोज आपके साथ एक रो हर हफ्ते एक नया स्टॉक प्रेजेंट करते हैं उसमें हम रिसर्च में कहते हैं कि दैट इज अ बॉटम अप अप्रोच यानी कि आपने कंपनी आइडेंटिफाई की उसका जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसकी जो हाईलाइट्स है रिस्क फैक्टर्स है वो डिस्कस किया और अगर आपको ठीक लगा तो ये एक स्टॉक आइडिया बन जाता है तो दैट इज कॉल्ड अ बॉटम अप रिसर्च अप्रोच लेकिन अगर आपको एक अच्छा निवेशक बनना है तो आपको टॉप डाउन रिसर्च भी सीखना चाहिए टॉप डाउन रिसर्च की स्ट्रैटेजी भी आपको समझनी चाहिए तो टॉप डाउन रिसर्च का मतलब क्या है यानी कि आपने मैक्रो फैक्टर्स स्टडी किए आपने इंडस्ट्री स्टडी की आपने अच्छी इंडस्ट्री आइडेंटिफाई की और फिर उस इंडस्ट्री में कौन से बढ़िया स्टॉक से वो आपने चुनकर उनको स्टडी करके खरीदे दैट व प्रोसेस इज कॉल्ड टॉप डाउन रिसर्च अप्रोच और जो सबसे माहिर एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स है फंड मैनेजर्स है वो ये टॉप डाउन रिसर्च पर बहुत ही फोकस करते हैं क्योंकि तो अगर आपने सेक्टर आइडेंटिफाई कर दिया आपने वो सेक्टर के डायनामिक्स आप समझ गए तो उस सेक्टर में कई सारे स्टॉक आइडियाज आपको मिल सकते हैं कई सारे विनर्स एक साथ आपको मिल सकते हैं तो मेरे ख्याल से टॉप डाउन रिसर्च पर भी आपका फोकस रहना चाहिए और ये बात ध्यान में रखते हुए आज हमने एक नई सीरीज लॉन्च है जिसका नाम है सेक्टर का राजा तो इस सीरीज में हम एक सेक्टर चुनेंगे उस सेक्टर में कौन से प्लेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे और फिर इस सेक्टर का राजा कौन है सेक्टर का किंग कौन है उस कंपनी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको पूरा सेक्टर का डायनामिक थोड़ा समझ पड़े और क्यों ये कंपनी सबसे बढ़िया है वो भी हम डिस्कस करेंगे और ऑफ कोर्स रिस्क फैक्टर्स को डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इन्वेस्टर को रिस्क फैक्टर्स पर ज़रूर से ध्यान देना चाहिए वॉट इज़ द बॉटम वट इज़ द डाउन रिस्क वो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है तो ये जो नया सीरीज है जिसका नाम है सेक्टर का राजा आई वुड अर्ज यू टू वॉच दिस वीडियो टिल वीडियो को भी आप सपोर्ट कीजिए इनक्रेजमेंट दीजिए ताकि कई सारे सेक्टर्स आपके सामने हम पेश कर सकते हैं और उनमें कई सारी स्टॉक्स हम डिस्कस कर सकते हैं जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सकती है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है आपकी जो स्टॉक पिकिंग स्किल्स है

तो so, एनबीएफसी के ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत सारे सब सेगमेंट्स हैं बहुत सारे ग्रुप्स हैं जैसे कि गोल्ड लोन कंपनीज है कमर्शियल व्हीकल लोन कंपनीज है ऑटो लोन कंपनीज है फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है तो देर आर मैनी मैनी सेगमेंट्स विद इन दी एन सेक्टर लेकिन ऐसी कुछ कंपनियां है विच इज प्रेजेंट अक्रॉस मेनी सेक्टर्स यानी कि उनकी जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है उनकी जो लोन बुक है दैट इज वेटी वेल डाइवर्सिफाइड अक्रॉस मेनी सेगमेंट्स यानी कि एक सेगमेंट पर उनका फोकस उनका फोकस है उनकी डिपेंडेंसी नहीं है उनका एडवांटेज क्या होता है कि अगर एक सेगमेंट यानी कि समझो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज या हाउसिंग लोन में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है देन दे कैन ड्रो दी अदर सेक्टर्स शायद गोल्ड लोन में कुछ इशू आ जाता है तो दे कैन डो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे कैन ड्रो कमर्शियल व्हीकल्स तो ये जो डाइवर्सिफाइड एन है उनकी ये स्ट्रेंथ रहती है कि डिस्पाइट बींग प्रॉब्लम्स और इन इन पर्टिकुलर सेक्टर दे कैन कीप द ग्रोथ मोमेंटम गोइंग और जहाँ हमको लगता है कि देखिए ये सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ मिल रही है लेकिन इमीडिएटली फोकस हो जाए तो ये जो बिजनेस है वो आसान नहीं है क्योंकि इतने सारे सेगमेंट्स को आपको समझना पड़ता है वहाँ पर नेटवर्क क्रिएट करनी पड़ती है आपका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म आपकी जो लोन अप्रेजल सिस्टम कलेक्शन सिस्टम वो पूरी आपको बराबर से आपको सेट करनी पड़ती है टू तो ऑपरेट इन सो मनी सेक्टर तो मेरे ख्याल से जो एन में जो डाइवर्सिफाइड एन है दे आर द बेस्ट रिस्क रिटर्न प्रोफाइल यानी कि रिस्क भी कम है और रिटर्न अच्छे दे सकते हैं तो इस जो सेक्टर है डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप एन बी एफ सी में इसपे जो कंपनियाँ है विच वी वुड लाइक टू नॉमिनेट विच आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप आर कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस आदित्य बिरला फाइनेंस चोला श्रीराम ट्रांसपोर्ट सुंदरम फाइनेंस एल एंड टी फाइनेंस तो छः सात कंपनियाँ हैं विच हैव बिल्ड दिस केपेबिलिटी टू ऑपरेट अक्रॉस मल्टीपल सेगमेंट्स और इसे इन कंपनियों के लिए वी वुड से दैट दे आर क्लासीफाइड एज डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप एन बी एफ सी और उनकी जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया है तो फ्रेंड्स जो 10 uh, साल यानी कि डेकेड द 2000 टू 2010 दैट बिलोंग टू द बैंक्स यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे दे डिड वेरी वेल इन दैट पीरियड ऑफ 2000 टू 2010 लेकिन 2010 से 2020 का जो जो 10 साल का जो डेकेड पीरियड था इसमें एनबीएफसी रियली डिड एक्सेप्शनलली वेल दे वर एबल टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज अ کریडबल प्लेयर और उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट और फॉर आम आदमी के लिए फॉर यू एंड मी फॉर ऑर्डिनरी पीपल जो एन बी एफ सीज है दे आर बीन प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि अगर आप हाउस खरीदना चाहते हैं या गाड़ी खरीदना चाहते हैं अप्लायसेज सेल फोन हॉलीडे हायर एजुकेशन या फिर पर्सनल लोन आप कोई भी क्रेडिट प्रोडक्ट आपको एक्सेस करना है तो आपका पहला चॉइस हमेशा एन बी एफ सी रहा है क्योंकि एन बी एफ सीज आर एबल टू ऑपरेट मच फास्टर एंड फार मोर एफिशेंटली बैंक जनरली जो एन बी एफ सी की जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो बैंक से कम है जिसकी वजह से दे कैन मूव वेरी फास्ट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रेडिट प्रोफाइल ऑफ़ द कंज्यूमर और तुरंत लोन अप्रूव कर सकते कई बार आपने सुना होगा गेट अ लोन इन थर्टी मिनट्स गेट अ हाउसिंग लोन इन थ्री डेज तो ये जो टर्न राउंड टाइम है ये एन बी एफ सी सेक्टर की एक स्ट्रेंथ है और जिस हिसाब से उनका पेपर वर्क है जिस हिसाब से उनकी क्वालिटी लेवल्स है यू विल फाइंड की एज़ कम्पेयर टू बैंक यू विल फाइंड मोर कम्फर्ट विद एन बी एफ सी हाँ जी हाँ लेकिन एन बी एफ सी के जो इंटरेस्ट रेट्स है दे आर जनरली हायर आय द बैंक लेकिन अगर आप बोर हो तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम uh, हो सकता है लेकिन अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आपको ज़रूर से अच्छा लगेगा कि ये कंपनी अच्छा ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है एंड इसके प्रॉफिट ज़्यादा हो सकते हैं तो हर एक एवरी कॉइन हैज टू साइड्स एज अ शेयर होल्डर हायर इंटरेस्ट रेट्स बेटर फॉर यू बट एज अ बोर ओवर इट डेफिनेटली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम तो जैसे मैंने कहा कि पिछले दस सालों में एन बी एफ सी ने काफ़ी प्रोग्रेस uh, किया है बहुत सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स आए हैं एन बी एफ सी में जो मैंने कंपनी आपके साथ uh, अभी लिस्ट आउट किए जो डिस्कस करेंगे दे वो ऑल बीन मल्टी बैगर्स इन द लास्ट टेन फिफ्टीन ईयर और बहुत सारा वेल्थ क्रिएट किया है और आगे चलते भी मेरे ख्याल से इस सेक्टर की जो ग्रोथ रेट्स रहेगी दैट विल बी सिग्निफिकेटली हायर देन द बैक्स और ये तो सेक्टर के मैंने ये सेक्टर ने पूरा अपना पोजिशन बना लिया है तो आपको आश्चर्य होगा कि दस साल पहले वन सिक्स ऑफ द टोटल क्रेडिट इन द मार्केट इन इंडिया इंडिया यानी सोलह सत्रह प्रतिशत जो भी क्रेडिट था दैट वॉज बिलोंगिंग टू द एन बी एफ सी लेकिन आज वन इन फोर यानी कि ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द क्रेडिट इज बींग ऑफर थ्रू एन बी एफ सी तो एन बी एफ सी का जो ऑपरेशन है वो बहुत ही सिंपल है

और एन बी एफ सी का जो इंटरेस्ट स्प्रेड रहता है दैट इज़ ऑलवेज हायर देन द बैंक्स जिसकी वजह से उनके रिटर्न रेशियोज भी अच्छे रहते हैं और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत बढ़िया रहती है और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उनकी जो प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स यानी कि जो कॉर प्रॉफिट्स है दे कैन ईजिली टेक केयर ऑफ एनी बैड लोन्स और एनी सच प्रॉब्लम्स विच कैन कम थ्रू तो मेरे ख्याल से एन बी एफ सी सेक्टर पर इन्वेस्टर को ज़रूर से ध्यान देना चाहिए आई मस्ट एडमिट दो कि पिछले दो तीन साल में इस सेक्टर में हमने इतनी ज़्यादा स्टॉक अप्रिसिएशन नहीं देखी है लेकिन और ये एक लेगार्ड सेक्टर है लेकिन आप जानते हैं कि आप थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन व्यू लेके इस सेक्टर में अगर आप ओवरवेट रहेंगे तो जब ये सेक्टर में टर्न अराउंड आएगा जब ये सेक्टर में उछाल आएगा तो यू विल बी अहेड ऑफ द कर्व एंड यू विल बी एबल टू गेट वेरी गुड रिटर्न ऑन द स्टॉक्स विद इन दिस सेक्टर तो जैसे मैंने कहा कि ये जो छह सात कंपनियां है दे आर ऑल गुड कंपनीज लेकिन जो सेक्टर का राजा है

देन एनी बैंक और एनी अदर एन बी एफ सी कंसिस्टेंटली पच्चीस से चालीस प्रतिशत ग्रोथ हमने देखी है बजाज फाइनेंस में और ये जो ग्रोथ है इट हैज कम फ्रॉम द रिटेल साइड यानी कि मिलियंस ऑफ लोन्स देती है स्मॉल स्मॉल लोन्स देती है जिसकी वजह से उसकी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो कम रहे क्योंकि लोन की साइज कम रहती है देखिए फ्रेंड्स ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना बहुत जरूरी है कि पहले क्या होता था कि बैंक वुड लेंड टू लार्ज कंपनीज और अगर वहाँ पर डिफॉल्ट हो गया तो करोड़ों का नुकसान हो जाता था लेकिन जो एन बी एस सी सेक्टर है और बजाज फाइनेंस इन पर्टिकुलर उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही है कि वी विल गिव स्मॉल 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 यानी दस हजार से लेकर दस लाख तक का लोन देंगे तो अगर उसमें से कुछ जो बोरवर्स है उनकी आ, वो दे आर नॉट एबल टू द लोन्स और NPA बन जाती तो क्वांटम कम रहता है मैनेज हो सकता है लेकिन जो बड़े कॉर्पोरेट्स में अगर आप लोन देते हो और कोई बड़ा कॉर्पोरेट डिफॉल्ट हो जाता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर द मनी तो ये खास बात है एन बी एस सी सेक्टर की और बजाज फाइनेंस इन पर्टिकुलर ऑल्सो तो बजाज फाइनेंस का पुराना नाम था बजाज ऑटो फाइनेंस और दिस कंपनी फॉर्म प्योरली फॉर फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंस बजाज ऑटो तो बिजनेस अगर स्कूटर या मोटरसाइकिल खरीदना चाहते थे तो बजाज ऑटो फाइनेंस का बंदा आपके साथ बैठ के आपको फाइनेंसिंग दे सकता था और वहां से इस कंपनी की जर्नी चालू हुई है फ्रॉम जस्ट टू व्हीलर फाइनेंसिंग दे आर अक्रॉस द बोर्ड ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जहां पर बजाज फाइनेंस अपना लोन अपने लोन्स दिए ऑफर करती है और मेरे ख्याल से ये इस कंपनी की स्ट्रेंथ है पैन इंडिया नेटवर्क उन्होंने क्रिएट किया है और जो उसकी कलेक्शन एफिशिएंसी है वो बहुत ही बढ़िया है तो मेरे ख्याल से बजाज फाइनेंस इस सेक्टर का राजा है और ज़रूर से आप इस कंपनी को स्टडी कीजिए या आपकी कोर होल्डिंग भी बन सकती है बाकी जो कंपनियाँ हैं जैसे कि चोला मंडलम दैट ऑल्सो वुड रेट वेरी हाई आदित्य बिरला कैपिटल ऑल्सो एक डाइवर्सिफाइड एन बी एफ सी दैट ऑल्सो इज वेरी गुड सो एंड दैज ऑफकोर्स सुंदरम फाइनेंस साउथ बेस्ड कंपनी बहुत ही लो प्रोफाइल कंपनी है तो ये जो चार कंपनियां अलॉन्ग विदाज कंपेयर टू समल एन टी फाइनेंस श्रीराम ट्रांसपोर्ट ये दो ग्रुप है ना उसमें थोड़ा फर्क है और मैं फर्क आपको समझाना चाहूंगा तो जैसे मैंने बताया कि 2010 से एन ने बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है दे आर बीन ग्रोइंग रियली वेल लेकिन फेबर 2018 में एक ऐसी इवेंट हुई जिसकी वजह से अगले दो तीन साल में एन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया तो ये जो इवेंट थी वो थी आईएलएफएस की डिफॉल्ट आईएलएफएस इंडिया की बहुत ही लार्ज डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी थी और उनका फोकस वाज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग और वहाँ पर उन्होंने बहुत uh, बड़े बड़े लोन्स दिए थे टू लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिसकी वजह से जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ गया तो देर डिफॉल्ट इंक्रीज और इवेंचुअली आई डिफॉल्ट कर चुका था एंड देन इट टू अग प्रॉब्लम तो आई की प्रॉब्लम की वजह से

Which taken. तो ये जो 2018 से 2022 का जो पीरियड था वो मेरे ख्याल से बहुत ही पीरियड था पूरी एन सेक्टर और बैंक्स के लिए भी और इस समय में, उस समय में, उन चार, तीन चार सालों में ये जो मैंने कहा बजाज फाइनेंस चोलामंडलम सुंदरम आदित्य बिरला फाइनेंस इन चार कंपनियों का जो डैमेज हुआ उनकी जो प्रॉब्लम थी वो मच मच लेस देवर एबल टू कर रिस्क एंड देवर एबल टू कर नॉन परफॉर्मेंस डोन्स फार बेटर Than the other companies like LNT Finance, like Shriram Transport and IFL Finance. So, is this reason, I would say that the companies which survived in the worst period, the companies which were able to survive and grow in the worst period was there of the industry. If those companies are, are the ones that investors should definitely focus on, because if this company so many problems, after seeing so many stress, stress is not, crisis. In crisis crisis, even after ग्रो कर चुके थे आपने अपना बिजनेस अच्छी तरीके से मैनेज किया आपने आपके रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही बढ़िया थे और आपने इंडस्ट्री uh, से भी ज़्यादा प्रोग्रेस की इफ़ यू डिड वेल इन द वर्स्ट पॉसिबल टाइम तो जगह जब टाइम्स अच्छे होंगे तो यू विल डू इवन बेटर और आगे चलते अगर टाइम्स फिर से ख़राब हो जाते हैं देन यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग डेल्ट थ्रू द वर्स्ट पीरियड तो आपके पास ऐसे टूल्स है आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस है बाई विच यू कैन सडनली लिमिट द डैमेज विच कैन डू टू विच कैन बी डन वेन द टाइम्स गो बैड तो मेरे ख्याल से uh, हमारे राय में बजाज फाइनेंस इस सेक्टर का राजा है और शहनशाह है और बाकी के जो शहजादे हैं चोलामंडलम दयासुंदरम फाइनेंस अनादित्य बिरला कैपिटल और इन कंपनियों पर आपको फोकस करना चाहिए बट नो डाउट जो बाकी जो कंपनियाँ हैं उनमें भी अच्छा टर्नराउंड देख रहे जैसे कि आई एफ एल फाइनेंस एल एन टी फाइनेंस है श्रीराम ट्रांसपोर्ट है उसमें भी अच्छा टर्न राउंड देख रहे हैं

और आपको उसकी नॉलेज आपको उसका अंडरस्टैंडिंग है तो यू कैन एग्जिट द सेक्टर बिफोर द प्रॉब्लम स्टार्ट टू इम्पैक्ट द सेक्टर तो जो रिस्क फैक्टर्स है एन के वो दो रिस्क फैक्टर्स है सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है इज बैड लोन यानी कि किसी को लोन दे दिया आपने और उसने लोन रिटर्न नहीं किया तो आपका पूरा पूरा नुकसान हो जाता है क्योंकि आपके बुक्स में तो वो रिकवरेबल है लेकिन एक्चुअल रिकवरी नहीं आती है और अगर तीस डे सिक्सटी डेज नाइन्टी डेज के बाद अगर आपको पैसा नहीं मिलता नहीं है ई नहीं मिलती है तो आरबीआई के हिसाब से आरबीआई के नॉर्म के हिसाब से आपको उस लोन को प्रोवाइड करना पड़ेगा यानी कि उसको इट विल बिकम अ एक्सपेंस आइटम फॉर यू यानी कि आप यह समझिए कि जो एन और बैंक का बिजनेस है वहां पर इनकम अप फ्रंट आ जाती है क्योंकि जो इंटरेस्ट रेड है वो आपको मिल जाता है लेकिन जो कॉस्ट है दे कम आफ्टर वर्थ बिकॉज कुछ सालों के बाद अगर लोन खराब हो जाती है द बोर इज नॉट पेइंग यू देन इट गो स्टार्ट गोइंग टू योर बॉटम लाइन इट स्टार्ट अफेक्टिंग योर प्रॉफिटेबिलिटी तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है दैट रिमेन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि बैड डेट्स ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है और दूसरा रिस्क फैक्टर ये है कि रेजिंग ऑफ रिसोर्सेज अभी एन की एन बी जैसे आप जानते हैं इट इज़ लेंडिंग मनी टू द डिटेल सेक्टर लेंडिंग मनी टू द आम आदमी तो पैसा किधर से आता है उनके लिए सो दे आर बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स दे आर बोरोइंग फ्रॉम डिपॉजिटर्स कुछ ओवरसीज लोन्स भी लेती है सो दैन मेन सोर्स ऑफ फंडिंग इज द बैंक्स एंड द मनी मार्केट और वहां पर अगर उनको लिक्विडिटी टाइट हो जाती है जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू रेज लोन्स एट अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स तो उनकी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब डिफरेंस बिटवीन द रेट एट विच यू गिव द लोन एंड द रेट एट विच यू आर बोरोइंग तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर असर आ सकता है तो ये जो दो रिस् तो रिस्क फैक्टर्स है टू रिस्क फैक्टर्स फॉर द एन सेक्टर लेकिन इसके अलावा बाय एंड लार्ज इस सेक्टर का फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है क्योंकि लुक एट द वे इंडियन आर स्पेंडिंग मनी सभी को नए घर चाहिए लेटेस्ट मॉडल ऑफ द कार चाहिए नया मोबाइल आता है आईफोन आता है तो आपको जो पुराना बेच के या उसको एक्सचेंज करके नया मोबाइल लेना चाहते हैं अब्रोड जाना चाहते हैं तो ओवरऑल जो जनरेशन जी की जो रिक्वायरमेंट है दे बिलीव इन एक्सपीरियंसिस दे बिलीव इन स्पेंडिंग मनी और उसकी वजह से जो उनकी इनकम है दैट आर नॉट एबल टू सपोर्ट दिज लार्ज एक्सपेंसिस और दे आर गोइंग फॉर होम लोन्स दे आर गोइंग फॉर ऑल दीज एन बी एफ सी लोन्स और किश्तों में यानी ई एम आई पे कर कर uh, well. तो मेरे ख्याल से एन बी एफ सी सेक्टर जो है वो बहुत ही बढ़िया सेक्टर है और अच्छे प्रॉस्पेक्ट है तो मेरे ख्याल से इसमें आपको जरूर से थोड़ा ध्यान देना चाहिए और जैसे मैंने कहा इस सेक्टर का बादशाह सेक्टर का राजा इस बजाज फाइनेंस लिमिटेड थैंक यू और अगले कुछ एपिसोड में हम इस सेक्टर में और भी डिस्कस करेंगे एस टू देश माइनर सेगमेंट्स आर देंगे उन पर हम आपके पास वीडियो लेके आएंगे तो प्लीज़ ज़रूर से इस सीरीज़ uh, को भी आप इंक्रेजमेंट दीजिए व्यूअरशिप दीजिए और हमको सपोर्ट दीजिए तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो जाएगी आपके और हमारे बीच में और आपकी नॉलेज जो है सेक्टर बाय सेक्टर हम इम्प्रूव करना चाहेंगे Thank you very much. This podcast is produced by Elanzer Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 4787 The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.